ट्विटर पर हाजिर जवाबी से लोकप्रिय हुई थी सुषमा स्वराज। ट्वीट पर कहा था, मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात को 67 साल की उम्र में निधन हो गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। विदेश मंत्री रहते लोगों की समस्याओं से इस तरह जुड़ी रही कि एक ट्वीट मात्र से लोगों की समस्याएं सुलझा देती थीं। इन समस्याओं को धैर्य से सुनने और उन्हें हल करने के कारण वे काफी लोकप्रिय हो गईं। वह खास से आम सभी को फौरन जवाब देती थीं। कई बार लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि वे खुद जवाब दे रही हैं। पिछले साल एक व्यक्ति ने उनके लिए लिखा कि निश्चित रूप से सुषमा खुद ट्वीट नहीं करती, उन्होंने कोई प्यार रखा हुआ है जो उनके ट्वीट करता है। इसके जवाब में सुषमा ने कहा, आप निश्चेचक रहें, यह मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं है। उन्हें पिछली मोदी सरकार की सबसे सक्रिय मंत्रियों में से एक माना गया। इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान एक यूजर ने सवाल किया था कि हमें लगा कि आप हमारी विदेश मंत्री हैं, भाजपा में एकमात्र सबसे समझदार, आप खुद को चौकीदार क्यों बुलाती हैं? सुषमा ने जवाब दिया कि मैंने अपने नाम के आगे इसलिए चौकीदार लगाया है क्योंकि मैं विदेशों में भारतीय हितों और भारतीय नागरिकों की चौकीदारी कर रही हूँ। गीता को भारत लाई, बताया हिंदुस्तान की बेटी गलती से सीमा पार पाकिस्तान गई। मूकबधिर युवती गीता सुषमा की वजह से ही भारत लौट सकी। युवती 10 साल से पाकिस्तान में फंसी हुई थी। 26 अक्टूबर 2015 को जब वे भारत लौटी तो सुषमा ने उसे हिंदुस्तान की बेटी कहा। उसके माता पिता को खोजने के लिए 1,00,000 रुपए इनाम की घोषणा की। उन्होंने गीता के लिए दूल्हा ढूंढने में भी पूरी दिलचस्पी दिखाई। लंबे समय तक रही D4 का हिस्सा सुषमा राजनीति में 25 बिलियन रुपए की उम्र में आई थीं। उनके राजनीतिक गुरुवार लाल कृष्ण आडवाणी रहे। एक समय भाजपा के पुरोधा अटल आडवाणी की जोड़ी का भरपूर स्नेह मिला तो मौजूदा दौर में मोदी शाह की जोड़ी के भी बेहद करीब रहीं। एक समय था जब भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सुषमा और प्रमोद महाजन सबसे लोकप्रिय वक्ता थे। संसद से लेकर सड़क तक उनकी गिनती भाजपा के D4 में होती थी। उनके अलावा बाकी तीन प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू थे। 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ था। मोदी सरकार के लिए की थी प्रार्थना, प्रधानमंत्री जी, आपने 5 वर्षों तक मुझे विदेश मंत्री के तौर पर देशवासियों और प्रवासी भारतीयों की सेवा करने का मौका दिया। पूरे कार्यकाल में व्यक्तिगत और पर भी बहुत सम्मान दिया। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। हमारी सरकार बहुत यशस्वीता से चले, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है।